बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशंस का टॉपिक। बाउंडेड वेरिएशन ऑफ अ फंक्शन डेफिनेशन आपके पास, लेट एफ बी डिफाइंड ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड सपोज पी बी अ पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। कंसीडर द सम, अब ये सम कंसीडर कर रहे हैं, समेशन आई रेज फ्रॉम वन टू एन एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन। तो समेशन कैसे बना रहे हैं, ये आपके पास पार्टीशन बी है क्लोज इंटरवल ए और बी की, ये एक्स नॉट, ये एक्स एन, ये एक्स वन, एक्स टू, एक्स आई माइनस वन और एक्स आई। तो इस पार्टीशन का आप क्या करेंगे, आईएथ सब इंटरवल ले लेंगे और इसके लेफ्ट एंड पॉइंट पर वैल्यू फंक्शन की कैलकुलेट करेंगे। राइट एंड पॉइंट पर पहले कैलकुलेट करेंगे माइनस, फिर लेफ्ट एंड पॉइंट पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर उसका मान ले लेंगे। तो आपने हर इंटरवल पर इसी तरह से ये सम कैलकुलेट करना है और फिर उसको आपने ऐड कर देना है। ठीक है जी, जैसे आपके पास ये सम किसके बराबर है, ये सम बराबर है एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, ये पहला सब इंटरवल। पहले आपने जो है वो राइट एंड पॉइंट माइनस लेफ्ट एंड पॉइंट, इसी तरह से फिर दरम्यान में आईएथ आएगा, और फिर आपके पास एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन का मॉड। तो ये सम है, तो ये पार्टीशन पी के लिए बनाया है हमने। द सेट ऑफ सम्स इज इनफाइनाइट ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी। The set of sums is infinite over AB. इस लाइन का मतलब क्या, इस लाइन का मतलब ये है कि ये तो आपने एक पार्टीशन ली थी AB की, अब AB की आपके पास इनफाइनाइट पार्टीशंस एग्जिस्ट करती हैं, जो चाहे आप बना सकते हैं P1, P2, P3, P4 अप टू सोन। तो ये आपके पास A से लेके B तक इन्फिनिट एलिमेंट्स हैं ना, तो आप 0 से लेके 1 तक इसकी बहुत सारी पार्टीशंस बना सकते हैं और हर पार्टीशन जो है आपको एक एक सम देगा। हर पार्टीशन का अपना अपना सम है, ये पार्टीशन भी एक सम देगी, ये भी पार्टीशन एक सम देगी, ये भी आपके पास, तो आपके पास ये ढेरों ढेर पार्टीशन सम्स आ जाएंगे। तो कहते हैं इन सम्स का जो सेट है आपके पास इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट पार्टीशंस है तो इनफाइनाइट सम्स होंगे आपके पास। इट चेंजेस व्हेन वी मेक अ रिफाइनमेंट इन द पार्टीशन पी, और जब हम किसी पार्टीशन पी में रिफाइनमेंट करते हैं तो सम चेंज हो जाता है। जैसा कि फ़र्ज करें मेरे पास एक पार्टीशन है आपके पास ए एक्स एंड बी, कोई भी पार्टीशन आ सकते हैं, तो मैंने ये बना ली है। अब इसका सम क्या है आपके पास, इसका सम है आपके पास ये पहला सब इंटरवल और ये दूसरा सब इंटरवल है, तो ये है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए का मॉड प्लस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ एक्स का मॉड। तो अगर मैं डिफाइनमेंट करूँ तो डिफाइनमेंट में आपने और पॉइंट्स ऐड करने होते हैं ना, चले मैं इसके अंदर जो है एक और पॉइंट ऐड कर देती हूँ एक्स टू। तो अब जो मेरा सम बनेगा वो क्या है, अब मेरे पास तीन सब इंटरवल्स होंगे, तो ये मैंने डिफाइनमेंट की, जो सब इंटरवल मेरे बढ़ गए, एक पॉइंट ऐड किया तो एक सब इंटरवल बढ़ गया है, दो तीन ऐड करेंगे तो ज़्यादा सब इंटरवल्स होते जाएंगे। तो अब इसमें आपके पास सम क्या होगा, ये फर्स्ट सब इंटरवल है तो राइट एंड पॉइंट पर माइनस लेफ्ट एंड पॉइंट पर वैल्यू,
फिर सेकेंड इंटरवल राइट एंड पॉइंट पर माइनस लेफ्ट एंड पॉइंट पर प्लस राइट एंड पॉइंट पर माइनस लेफ्ट एंड पॉइंट पर, तो ये आपके पास सम आ गया। और आप देख सकते हैं कि इस सम के पास इस सम से ज़्यादा टर्म्स हैं, तो जब टर्म्स ज़्यादा हैं तो सम भी बढ़ जाएगा। तो रिफाइनमेंट करने से ये जो हम सम बना रहे हैं ये चेंज हो जाता है, ये बढ़ जाता है। इफ दी सेट समेशन आई वेरीज फ्रॉम वन टू एन एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ एक्स आई माइनस वन, अब ये सेट है, ये जितने भी सम्स हैं जितने भी पार्टीशंस आपके पास बन सकती हैं उन हर हर पार्टीशन के कॉरेस्पॉन्ड जो सम है उसको हमने एक सेट में लिख लिया है। तो ये आपके पास सम्स का सेट आ गया। तो कहते हैं अगर ये सेट जो है सम्स का सेट बाउंडेड अबव हो जाए और इसका सुप्रीमम बाउंडेड अबव हो जाए, बाउंडेड अबव हो जाएगा तो इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट कर जाएगा, और इसके सुप्रीमम को हम डिनोट करते हैं वी एफ ए बी। वी का मतलब है टोटल वेरिएशन, ठीक है जी। वी का मतलब क्या है? टोटल वेरिएशन, वी वेरिएशन, टोटल वेरिएशन ऑफ एफ ओवर द इंटरवल ए बी। एफ के बारे में भी इंफॉर्मेशन है, उसके इंटरवल के बारे में भी इंफॉर्मेशन है, तो वी इज़ टोटल वेरिएशन ऑफ एफ ओवर ए बी। और ये किसके बराबर है? ये सुप्रीमम के बराबर है। सुप्रीमम ऑफ व्हाट? सुप्रीमम ऑफ दीज सम्स। अगर ये सम्स का सेट बाउंडेड अबव हो जाए तो हमने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ रखी हैं कि उनके पास फिर है कम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी जो कहती है कि अगर कोई भी सेट बाउंडेड अबव है तो वो आपके पास फिर उसका सुप्रीमम भी लाजमी एग्जिस्ट करता है। अगर ये सेट बाउंडेड अबव हो जाए तो तब हम कहेंगे के इसका फिर सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करता है, और जो सुप्रीमम है वो टोटल वेरिएशन ऑफ एफ ओवर ए बी के बराबर है। तो जहाँ कहीं भी ये सिंबल लिखा हुआ करेगा टोटल वेरिएशन ऑफ आपके पास एफ ओवर ए बी, तो इससे मुराद सुप्रीमम होगा, सुप्रीमम ऑफ दी सम्स। इससे मुराद सम्स नहीं है, इससे मुराद सम्स का सुप्रीमम है। इफ दी सेट इज बाउंडेड अबव देन दी फंक्शन एफ इज सेट टू बी ऑफ बाउंडेड वेरिएशन एंड द सुप्रीमम ऑफ द सेट इज कॉल्ड टोटल वेरिएशन ऑफ एफ ऑन ए बी एंड इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। द सुप्रीमम बीइंग टेकन ओवर ऑल द पार्टीशंस ऑफ ए बी, तो ए बी की जितनी भी पार्टीशंस मुमकिन हैं उन सब का हमने उन सब के कॉरेस्पॉन्ड सम्स कैलकुलेट किए हैं, और उन सम्स का जो सुप्रीमम है वो आपके पास टोटल वेरिएशन कहलाता है। एफ इज सेट टू बी ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, कोई भी फंक्शन जो है वो कब कहलाएगा कि ये बाउंडेड वेरिएशंस का है? अगर उसकी जो टोटल वेरिएशन है वो फाइनाइट हो जाए, तब हम कहेंगे फंक्शन बिलोंग टू सेट ऑफ द बाउंडेड वेरिएशंस ओवर द इंटरवल ए बी, बाउंडेड वेरिएशन ओवर द इंटरवल ए बी। नोट, आपके पास वो कहते हैं कि अगर एक्स और वाई के दरमियान हम एक पॉइंट सी ले लें तो एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ सी प्लस एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ एक्स, जैसे मैंने आपको भी करके दिखाया है। ये है एक्स इज लेस देन इक्वल टू सी, सी इज लेस देन इक्वल टू वाई, तो आपके पास एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स का मान बराबर है एफ ऑफ वाई, इसमें सी को ऐड भी कर दो, सी को सब्ट्रैक्ट भी कर दो, और माइनस एफ ऑफ एक्स इसको ए कह लो इसको बी कह लो, तो आप जानते हैं ए प्लस बी का मार इज लेस देन इक्वल टू ए का मार प्लस बी का मार, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू ए का मार प्लस बी का मार। तो कहते हैं जब हम पॉइंट्स ऐड करते हैं तो सम बड़ा ही होता है, रिफाइनमेंट से सम बड़ा हो जाता है, जैसे मैंने आपको ऊपर डिस्कस किया है। तो ये जो हम ये सम है ये कभी भी डिक्रीज नहीं होता है, जब हम पार्टीशंस के अंदर और पॉइंट्स ऐड करते हैं पार्टीशंस को रिफाइन करते हैं तो हमारा सम जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है जी। और ये सम्स हैं ये नॉन नेगेटिव्स हैं, क्यों नॉन नेगेटिव्स हैं? क्योंकि हम मॉड्स का सम ले रहे हैं, तो मॉड नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव टर्म्स का सम भी नॉन नेगेटिव, तो ये जो आपके पास सम है ये नॉन नेगेटिव होता है। चाहे फंक्शन इंक्रीज, फंक्शन खुद बताते खुद कुछ भी हो, इंक्रीजिंग हो डिक्रीजिंग हो या कुछ हो, तो ये जो आपके पास सम है ये हमेशा नॉन नेगेटिव होता है।
बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। तो क्या स्टेटमेंट है, हमने शो करना है ऐसा फंक्शन जो मोनोटोनिक भी हो और बाउंडेड भी हो। ऐसा फंक्शन जिसके पास दो प्रॉपर्टीज हो, बाउंडेड भी हो मोनोटोनिक भी हो, वो कैसा फंक्शन होता है, वो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन होता है। प्रूफ, सपोज करें कि एफ जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिक है तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो सकता है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो सकता है। सपोज एफ इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी एंड पी बी एनी पार्टीशन ऑफ ए बी, पी हमने कोई पार्टीशन ले लिया, क्योंकि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो आपके पास छोटी इनपुट्स पर आपके पास इसकी वैल्यू छोटी होगी और बड़ी इनपुट्स पर इसकी वैल्यू बड़ी होगी। तो एफ ऑफ एक्स आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन, ये हमने इसके मोनोटोनिक होने की डेफिनेशन अप्लाई की है। अब हमने क्या करना है, इसको बाउंडेड वेरिएशन का शो करना है। तो बाउंडेड वेरिएशन का शो करने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये सम बनाना है और उसको बाउंडेड शो करना है। ये सम बनाना है और सम को भी बाउंडेड शो करना है, सम के सेट को। तो ये सम किसके बराबर है, आपके पास आई वे सम वन टू वन एफ ऑफ एक्स। अब ये मॉड था, मॉड है तो क्योंकि एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन, तो ये इससे बड़ा है तो इन दोनों का डिफरेंस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो इनका डिफरेंस पॉजिटिव हो गया है। अब जब हम पॉजिटिव चीज़ का मॉड लेते हैं, ये पॉजिटिव चीज़ का मॉड लेते हैं, तो आंसर आपके पास वही नंबर आ जाता है। ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो पॉजिटिव आपके पास नंबर्स होते हैं उनका मॉड वही होता है और जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनका मॉड माइनस एक्स होता है। तो इनका मॉड इन्हीं के बराबर है, यहाँ मॉड है और यहाँ ब्रैकेट्स है, तो मॉड ख़त्म हो गया, यही आंसर आ गया, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास पॉजिटिव है। दिस इज इक्वल टू, अब मैं इक्वेशन ओपन करने लगी, वैल्यूज पुट करने लगी, आई की वैल्यू वन, यहाँ वन पुट करेंगे, वन माइनस वन जीरो, यहाँ टू पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स नॉट, ये हमने पहले भी एक्सपेंड किया है। तो एफ ये देखें, अगर आप गौर करें तो ये कट रही है, एफ ऑफ एक्स वन के साथ कट जाएगी, एफ ऑफ एक्स टू यहाँ कहीं कट जाएगी, फिर बच जाएगा आपके पास एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, ये बच जाएगा एफ ऑफ एक्स एन, आपके पास एक्स एन आ जाते हैं कि लास्ट पॉइंट होता है एफ ऑफ बी, और एक्स नॉट आपके पास फर्स्ट पॉइंट होता है एफ ऑफ ए। तो ये जो आपके पास सम है ये आ गया एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अब ये हमने आर्बिट्रेरी सम कैलकुलेट किया था, तो जो आर्बिट्रेरी सम है अगर वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के बराबर हो गया है, इसका मतलब हर सम आपके पास एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के बराबर हो गया है, तो आपके पास इस सम्स के सेट का जो सुप्रीमम है वो भी यही होगा, क्योंकि सारे सम ही यही हैं तो इनका सुप्रीमम भी यही होगा। तो हमारे पास टोटल वेरिएशन ऑफ एफ ओवर ए बी इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ दिस सम, और सम्स क्या हैं एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, हर दफ़ा ही यही आएंगे तो इनका सुप्रीमम भी यही होगा, और ये एक फाइनाइट नंबर है इसलिए लेस देन इन्फिनिटी है, ये एक फाइनाइट नंबर है। तो हमने एफ की टोटल वेरिएशन को उसके सुप्रीमम को फाइनाइट शो कर दिया है, इसका मतलब एफ इज़ ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए बी। इसी तरह आप प्रूव कर सकते हैं कि अगर फंक्शन जो है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो तो आपके पास ये आप प्रूव कर सकते हैं सिमिलरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, शो दैट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस पाई ओवर टू एक्स इफ एक्स लाइज बिटवीन जीरो एंड वन एंड जीरो पर इसकी वैल्यू जीरो है। वो कहते हैं इस फंक्शन को आपने शो करना है, ये बाउंडेड वेरिएशन का नहीं है। तो बाउंडेड वेरिएशन का ये कब नहीं होगा, जब हम इसके सम्स का सुप्रीमम कैलकुलेट करेंगे जो कि इसकी टोटल वेरिएशन होगा और वो फाइनाइट नहीं आएगा। हमने पार्टीशन ले ली इसकी जीरो वन की, एक पार्टीशन है जीरो वन ओवर टू एन, वन ओवर टू एन माइनस टू इक्वल इंटरवल्स की, वन ओवर सिक्स, वन ओवर फोर, वन ओवर टू एन वन, ये हमने एक पार्टीशन ले ली है जीरो वन की। अब हमें क्या करना है, हमें ये सम कैलकुलेट करना है, पहले सम कैलकुलेट करना है फिर उसका सुप्रीमम कैलकुलेट होगा। ये सम किसके बराबर है, जी ऑफ एक्स आई माइनस वन,
फर्स्ट वैल्यू आएगी वैल्यू वन पुट करेंगे जी ऑफ एक्स वन माइनस जी ऑफ एक्स नॉट, फिर टू पुट करेंगे जी ऑफ एक्स वन माइनस जी ऑफ एक्स टू माइनस जी ऑफ एक्स वन, फिर एन पुट करेंगे जी ऑफ एक्स एन माइनस जी ऑफ एक्स एन माइनस वन। ठीक है, अब हम एक्स वन एक्स नॉट इनकी वैल्यूज पुट करने लगे हैं और साथ वो इसकी ना इनकी ना तरतीब भी चेंज कर रहा है, लास्ट वाले टर्म्स को पहले लिख रहा है और शुरू वाले टर्म्स को एंड पे लिख रहा है जी ऑफ एक्स वन। तो ये आपके पास एक्स नॉट, ये एक्स वन, सॉरी ये ना पार्टीशन भी उलट लिखी हुई है, नहीं ठीक है बेटा, एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स एन माइनस वन एक्स एन ठीक लिखी हुई है, मुझे समझने में गलती लगी। अब जी ऑफ एक्स वन, एक्स वन क्या है वन ओवर टू एन, जी ऑफ वन ओवर टू एन माइनस जी ऑफ एक्स नॉट, एक्स नॉट क्या है ज़ीरो माइनस जी ऑफ ज़ीरो प्लस जी ऑफ एक्स टू, ये एक्स टू है जी ऑफ वन ओवर टू एन माइनस टू माइनस एक्स वन जी ऑफ वन ओवर टू एन, फिर आपके पास है जी ऑफ एक्स एन, एक्स एन क्या है वन जी ऑफ वन माइनस जी ऑफ एक्स एन माइनस एन वन ओवर टू जी ऑफ वन बाय टू। ठीक है जी, उन्होंने साथ एक ये भी टर्म शामिल कर ली है एक्स एन माइनस टू, ये हमने सम बना लिया। अब हमने ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी है जी ऑफ ज़ीरो, जी ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो पर जी की वैल्यू क्या है वो हमें गिवन है, ज़ीरो पर इसकी वैल्यू ज़ीरो है। अब वन पर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वन इधर लाई करता है, इसका मतलब फंक्शन अपने ऊपर वाले पोर्शन से आपको वैल्यू देगा, तो जी ऑफ वन इसका तरफ हमने x की जगह पर 1 पुट करना है cos pi by 2 into 1 and answer is cos pi by 2 which is 0। इस तरह से g 1 by 2 x की जगह पर 1 by 2 पुट कर देंगे, g 1 by 2 एक्स की पर 1/2 cos pi 2 इंटू एक्स की पर 1/2 ये इससे कट गया, तो g 1/2 इज इक्वल टू 1/2 cos pi विच इज माइनस 1/2। ठीक है जी, इसी तरह आप ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब g ऑफ आपको मैं एंड वाली वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाती हूँ, 1 ओवर 2n इंटू cos pi 2 इंटू 1 ओवर 2n, ये 2 से कट गया, 1 ओवर 2n cos pi। ठीक है जी, ये n भी था, ये n ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब cos n pi हमें नहीं पता इसका आंसर है, इसका आंसर प्लस 1 होगा या माइनस 1 होगा, इसलिए हम लिख देंगे माइनस 1 की पावर n ओवर 2n, क्योंकि हम नहीं जानते कि n इवन है कि n ऑड है, ये cos pi n है इसलिए इसकी वैल्यू माइनस वन की पावर 2n आ गई। अब ये वैल्यूज हम पुट कर देते हैं इसके अंदर, इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, जी ऑफ 1 ओवर 2n क्या है माइनस वन की पावर n ओवर 2n और जी ऑफ 0 की वैल्यू 0, जी ऑफ 1 ओवर 2n माइनस 1 वो भी आप इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, माइनस वन की पावर n माइनस 1 ओवर 2n माइनस 2 माइनस जी वन ओवर टू एन माइनस इसकी वैल्यू माइनस वन की पावर एन ओवर टू एन प्लस जी ऑफ वन बाई टू, जी ऑफ वन बाई टू माइनस वन बाई टू, जी ऑफ वन बाई फोर इज वन बाई फोर, जी ऑफ वन इज ज़ीरो और जी ऑफ वन बाई टू, जी ऑफ वन बाई टू इज माइनस वन बाई टू, ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, अब चूँकि मॉड है ये, तो जो मॉड है वो माइनस वन की पावर एन माइनस वन को ख़त्म करके पॉजिटिव कर देगा। ठीक है जी, कैसे
ठीक है जी, वो कैसे होगा, माइनस वन की पावर टू एन माइनस ज़ीरो, माइनस वन की पावर एन ओवर टू एन, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस वन की पावर एन, ये मार्ट खत्म हो जाएगा वन ओवर टू एन। और यहाँ से कैसे ख़त्म होगा, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, माइनस वन की पावर एन माइनस वन ओवर टू एन माइनस टू, माइनस माइनस वन की पावर एन ओवर टू एन, यहाँ से हम कॉमन लेंगे माइनस वन की पावर एन माइनस वन, यहाँ बच गया वन ओवर टू एन माइनस टू और माइनस वन, एन माइनस वन उसको दे दिया तो आपके पास एक वन यहाँ रह जाएगा, क्योंकि एन था ना, एन माइनस वन कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर एक रह जाएगा, मॉड इस माइनस ख़त्म कर देगा वन ओवर टू एन माइनस टू और माइनस प्लस वन ओवर टू एन। ठीक है जी, तो ये हमने सेकंड वाला भी कैलकुलेट कर लिया। इस तरह आप देखेंगे यहाँ से भी माइनस कॉमन लेके बाहर निकल जाएगा और ये सारी टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगे। ये आपको ये वाला भी कैलकुलेट करके मैंने दिखाया है। ठीक है जी, अगर आप करें तो सारी टर्म्स दो दो दफ़ा आए, एक दो एक दो एक दो, सारी टर्म्स दो दो दफ़ा आए, तो दिस इज इक्वल टू टू टाइम्स वन बाई टू, वन ओवर फोर, वन ओवर सिक्स अप टू वन ओवर टू एन। इस टू को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो पहली टर्म बन गई वन, दूसरी टर्म वन बाई टू, तीसरी टर्म वन बाई थ्री, आखिरी टर्म वन ओवर एन। तो ये आपके पास क्या गया, ये आपके पास समेशन एन रेज़ टू वन टू एन वन ओवर एन, ये हार्मोनिक सीरीज हो गई है। और आप जानते हैं कि हार्मोनिक सीरीज तो डाइवर्जेंट होती है, तो सम किसके इक्वल आ गया, सम आ गया आपके पास हार्मोनिक सीरीज के बराबर, हार्मोनिक सीरीज और वो डाइवर्जेंट होती है। इसका मतलब है कि आपके पास ये सम डाइवर्जेंट हो गया, ये फाइनाइट नहीं है, ये सम इन्फिनिट हो जाएगा। तो जो कि टोटल वेरिएशन है ऑफ जी ओवर द इंटरवल 0 1, ये आपके पास इनफाइनाइट हो जाएगी, जो जी जो है वो बाउंडेड वेरिएशन का नहीं है। तो हमने ये क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल के साथ समझा दिया है। तो ये फंक्शन हमने देखा कि ये बाउंडेड वेरिएशन का नहीं है। अगला सवाल आपके पास बिल्कुल इसी तरह से है, तो आपने ये कर लेना खुद, बिल्कुल इसी तरह से है ये क्वेश्चन, सफ़ा नंबर 4 भी आपसे हो जाएगा। डिटेल में मैंने आपको एक एग्जांपल करवा दी है। नेक्स्ट है जी रिमार्क्स, फ्रॉम अबव एग्जांपल वी फाउंड दैट कंटिन्यूस फंक्शन ऑन एन इंटरवल नीड नॉट टू बी ऑफ बाउंडेड वेरिएशन एट दैट इंटरवल। तो कहते हैं ये जो हमने सवाल ये भी है, जैसे ये आप करेंगे, ये जो हमने अभी एक एग्जांपल की है, ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है और आपने देखा कि ये बाउंडेड वेरिएशन का नहीं है। तो जो कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि बाउंडेड वेरिएशन के सेट को बिलोंग करे, वो टोटल वेरिएशन की फाइनाइट हो भी सकती है और नहीं भी। सिमिलरली अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन एन इंटरवल नीड नॉट बी कंटिन्यूस। तो ऐसे भी बहुत से फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दी है, क्योंकि बताते खुद तो कंटिन्यूस नहीं है लेकिन वो आपके पास ऑफ बाउंडेड वेरिएशन क्लास को बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, जैसे एक फंक्शन है, ये कंटिन्यूस भी नहीं है, डिफ्रेंशिएबल भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये टोटल वेरिएशन का है। तो ये एक ऐसे फंक्शन के एग्जाम्पल आने लगे हैं जो टोटल वेरिएशन को बिलोंग करता है। ब्रैकेट फंक्शन, ब्रैकेट फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर दैन एक्स ओवर द इंटरवल 0 2, इसको 0 2 इंटरवल पर हम डिस्कस करेंगे। 0 2 से लेकर इसके तीन हिस्से हो जाएंगे, 0 से 1, 1 से 2 और फिर 2 पर। अब ये जो इंटरवल आते हैं इसमें हम 1 इंक्लूड नहीं करते हैं, 1 से लेस रहते हैं। तो जब भी हम 1 से लेस कोई भी ये यहाँ पर नंबर पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 आएगा। ये मैंने उस दिन आपको तफसील से समझाया था, जैसे मैं यहाँ पर 0.9 फुट करती हूँ तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर एक इंटीजर आना है, इसका आंसर एक इंटीजर आना है, लेकिन इससे बड़ा इंटीजर ना हो, तो वो 0 होगा जो कि इसके करीब तरीन है लेकिन इससे बड़ा नहीं है। इसी तरह मैं 1 से लेकर 2, लेकिन 2 शामिल नहीं है, कोई भी नंबर पुट करूँगी तो उसका आंसर 1 आएगा। जैसे आपके पास है 1.1,
तो अब इसका आंसर क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका आंसर एक इंटीजर है लेकिन इससे बड़ा नहीं, वो है आपके पास 1, और 2 पर इसकी वैल्यू आपके पास होगी 2, तो 0, 2 पर ये इस फंक्शन का बिहेवियर में दिखा दिया गया है। अब हमने क्या करना है, हमने इसकी टोटल वेरिएशन ऑफ f ओवर द इंटरवल 0, 2 बनानी है, विच इज़ इक्वल टू f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 1, क्योंकि हमारे पास ये जो पार्टीशन बन गई है वो 3 हिस्सों पर मशीन होगी, 0, 1 एंड 2, f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 1, f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 0, तो f ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, 2 ही वैल्यू है, f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 1, और फिर f ऑफ 1 की वैल्यू 1, ठीक है जी, और f ऑफ 0 की वैल्यू 0, तो ये डिफरेंस 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 0 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो आपने देखा, क्योंकि ये आपके पास इसके सारे सम्स हमेशा ऐसे ही आएंगे, इसलिए उनका सुप्रीमम भी आपके पास इससे 2 से लेस होगा, तो आपकी जो टोटल वेरिएशन है ये 2 से लेस हो गई है, तो ये फाइनाइट हो गई है, तो लिहाजा फंक्शन में जाते खुद कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन वो टोटल वेरिएशन का हो गया है। कंटिन्यूस कैसे नहीं है, कहते हैं 1 पर इसकी कंटिन्यूटी, 1 ले लो इस इंटरवल में से 0, 2 में से, और उसके ऊपर इसकी कंटिन्यूटी लिमिट चेक कर लेते, तो लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करती। तो f ऑफ आपके पास ये लेफ्ट हैंड लिमिट है एट 1, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करते हैं इसका मतलब हमारा x जो है वो एक्चुअली 1 नहीं है लेकिन 1 से लेस है, 1 से लेस है, तो 1 से लेस के लिए फंक्शन का जो आंसर है वो 0 आता है, और ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट एट 1, इसका मतलब क्या है कि x एक्चुअली 1 नहीं है लेकिन ग्रेटर देन 1 है और 1 के बहुत करीब है, ग्रेटर देन 1 है और 1 के बहुत करीब है, इसका मतलब है कि x जो है कब इस पोर्शन को बिलोंग करता है और इस पोर्शन पर फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट 1, लिहाजा फंक्शन जो है आपके पास वो डिसकंटिन्यूस है, तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है, तो ये कैसे फंक्शन की एग्जांपल है जो कंटिन्यूस भी नहीं है, डिफरेंशिएबल भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो बाउंडेड वेरिएशन को बिलोंग करता है। नेक्स्ट थ्योरम है, इफ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एफ एग्जिस्ट एंड इज बाउंडेड ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, देन एफ इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए बी। हम कहते हैं अगर कोई आपके पास फंक्शन है उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, वो ना सिर्फ एग्जिस्ट करता है बल्कि वो बाउंडेड भी है, यानी कि उसमें दो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, दूसरा जो डेरिवेटिव जो है वो बाउंडेड भी है, तब फंक्शन जो है वो लाजमी बाउंडेड वेरिएशन का होगा, यानी कि डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करें और आपके पास वो बाउंडेड भी हो, तब हम कहेंगे फंक्शन जो है वो बाउंडेड वेरिएशन की क्लास को बिलोंग करता है। अब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और वो बाउंडेड भी है, इसका मतलब है एफ डैश ऑफ एक्स का मॉड इज लेस देन इक्वल टू एम, ये उसके बाउंडेड होने की डेफिनेशन अप्लाई कर दी हमने। फिर हमने क्या किया, हमने एक पार्टीशन पी ले ली ए बी की, एक पार्टीशन ए बी ले ली सच दैट, अब चूंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब वो कंटिन्यूस भी था, फंक्शन कंटिन्यूस भी है और गिवन है कि डिफरेंशिएबल भी है, तो फिर इस पर हम मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे। मीन वैल्यू थ्योरम आपके पास क्या होता है, मीन वैल्यू थ्योरम है आपके पास एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी इंटू बी माइनस ए ओवर द इंटरवल ए बी, ये आपके पास मीन वैल्यू थ्योरम है। अब हमने किस इंटरवल पर मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करना है, आईथ इंटरवल पर एक्स आई माइनस वन एक्स आई पर, तो फिर एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी माइनस ए इंटू एफ डैश ऑफ सी, तो ये हमने आईथ इंटरवल पर क्या कर दिया है, मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर दिया है। अब हम ये सम बनाएंगे जिसको हमने चेक करना है, तभी ही पता चलेगा कि फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का है कि नहीं। ये हमने सम बना दिया एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन। अब आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी एक्स आई माइनस वन माइनस एक्स आई माइनस वन इंटू एफ डैश ऑफ सी का मान। अब एफ डैश ऑफ सी आपके पास डेरिवेटिव है और डेरिवेटिव के बारे में हमने सपोज कर रखा है कि वो आपके पास बाउंडेड है, वो एक नंबर m से लेस है, एफ डैश ऑफ सी की जगह पर मैं पुट कर दूंगी m,
अब मैं इनका सम कैलकुलेट करने लगी हूँ, एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन इनका सम। अब एक्स आई और एक्स आई माइनस वन आपके पास ये मॉड्स है, चूँकि ये इंटरवल का लेफ्ट हैंड पॉइंट है और ये इंटरवल का राइट, तो ये इससे बड़ा है, तो एक्स आई इज़ ग्रेटर देन एक्स आई माइनस वन, तो लिहाजा ये जो डिफरेंस है ये ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। तो ये एक पॉजिटिव टर्म है, तो लिहाजा इसका जो मॉड है वो पॉजिटिव टर्म का मॉड उसी के बराबर होता है। तो ये मॉड आपके पास इन्हीं के बराबर हैं। तो अगर मैं आपके पास सम जो है वो समेशन अप्लाई करूँगी, तो एक्स वन माइनस एक्स नॉट, एक्स टू माइनस एक्स नॉट, या आपके पास इंटरवल्स की सब इंटरवल्स की लेंथ का सम है, और हमने कई दफ़ा ये प्रूव कर रखा है, दिस इज इक्वल टू बी माइनस ए, तो ये वैल्यू बी माइनस ए है, या आपके पास लैम्डा से लेस है, तो दिस इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू एम टाइम्स बी माइनस ए। अब ये एक आर्बिट्रेरी सम था, तो आर्बिट्रेरी सम जो है लेस देन हो गया है आपके पास m टाइम्स b माइनस a, इसका मतलब है सारे के सारे सम्स लेस देन हैं m इंटू बी माइनस a। जब सारे के सारे सम्स इनसे लेस हैं तो इनका सुप्रीमम b से लेस देन इक्वल होगा, तो आपके पास जो इसकी टोटल वेरिएशन है f ओवर द इंटरवल a b, ये आपके पास फाइन इनाइट हो गई है। द फंक्शन इज ऑफ द बाउंड्री वेरिएशन ऑन द क्लोज इंटरवल a b। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, सॉल्वड हैं और ये उन्होंने ये थ्योरम अप्लाई करके यूज़ किए हैं, तो हम अप्लाई करते हैं। वो कहते हैं ये फंक्शन दिए गए हैं और चेक करें ये बाउंडेड वेरिएशन के हैं कि नहीं, तो नंबर वन मैं कर देती हूँ, नंबर टू आप करेंगे खुद। नंबर वन हमने फंक्शन ले लिया है, अब मैं चेक करती हूँ इस फंक्शन के पास जो हमने अभी अभी थ्योरम पढ़ा है वो प्रॉपर्टीज़ है कि नहीं। वो फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ क्या थी, एक तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो, दूसरा इसका डेरिवेटिव बाउंडेड भी हो। तो हम जानते हैं इसका डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट करता है और वो कॉज ऑफ एक्स के बराबर है, तो एक कंडीशन पूरी होगी डेरिवेटिव वाली। अब दूसरी चेक करनी है कि बाउंडेड है कि नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इंटरवल मिला है ज़ीरो से लेके पाई, तो ज़ीरो से लेके पाई तक मैंने चेक करना है कि इसकी वैल्यूज जो हैं वो बाउंडेड है कि नहीं। एफ डैश ऑफ एक्स का मार्क इज इक्वल टू कॉस एक्स का मार्क, और जो कॉस की वैल्यू है ज़ीरो से लेके पाई तक वो आपके पास ज़ीरो से लेके वन तक होती हैं। जैसे कॉस ज़ीरो की वैल्यू क्या है, कॉस ज़ीरो की वैल्यू है वन और कॉस पाई की वैल्यू है माइनस वन, लेकिन हमने मार्ड की वैल्यूज देखनी है तो वो आपके पास लेस देन इक्वल टू वन, तो ये मार्ड में ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो फंक्शन की जो फंक्शन के डेरिवेटिव्स की वैल्यूज लेस देन इक्वल टू वन है तो उसका डेरिवेटिव बाउंडेड हो गया। अब फंक्शन का डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है, डेरिवेटिव बाउंडेड भी है, तो थ्योरम जो मैंने अभी भी पढ़ा वो कहता है कि फंक्शन जो है वो बाउंडेड वेरिएशन का है। इस थ्योरम का ये फ़ायदा है कि फिर जब आप एफ डैश को बाउंडेड कर देते हैं तो फिर आपके पास आपको ये सम्स कैलकुलेट करने नहीं पड़ते और डायरेक्टली थ्योरम अप्लाई करके आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लेकिन वो थ्योरम इस्तेमाल करने के लिए आपको पहले वो दोनों कंडीशन चेक करना ज़रूरी है कि फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो और वो बाउंडेड भी हो। नंबर सेवन पेज, अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन इज नेसेसरली बाउंडेड, ऐसे फंक्शन जो बाउंडेड वेरिएशन के हैं वो लाजमी बाउंडेड होते हैं। अब ऐसे फंक्शन जो बाउंडेड वेरिएशन की क्लास को बिलोंग करते हैं हमने शो करना है कि वो बजाते खुद भी बाउंडेड होते हैं। उनके बाउंडेड होने का मतलब क्या है कि उनकी रेंज बाउंडेड होती है। लेट एफ बी फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी, देन द टोटल वेरिएशन ऑफ एफ ओवर द इंटरवल ए बी इज लेस देन इनफिनिटी फॉर एनी पॉइंट पी एक्स बिलोंग्स टू ए बी, कंसिडर द पार्टीशन, हमने ये ए एक्स बी एक पार्टीशन ले ली जिसमें सिर्फ तीन पॉइंट शामिल हैं, तो जो टोटल वेरिएशन ये बराबर होती है सुप्रीमम ऑफ द सम्स, तो ये एक पार्टीशन का जो मैं सम बनाऊंगी सुप्रीमम उससे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीमम जो है वो हर सम से बड़ा होता है। ये सुप्रीमम किसका है, सम्स का सुप्रीमम है, तो जो सुप्रीमम होता है वो सेट के हर मेंबर से बड़ा होता है, तो सुप्रीमम जो है वो इस एक अकेले सम से बड़ा हो जाएगा। ये सम कैसे है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ एक्स, फिर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, और अगर मैं इसको कंबाइन करके लिखूं तो ये आपके पास दरमियान में से एक्स गायब हो जाएगा, कैसे,
f of b minus f of x plus f of x minus f of a. ये है आपके पास a का मान प्लस b का मान विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस b का मान. तो ये सम ग्रेटर देन इक्वल टू f of b माइनस f of a प्लस f of a ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू f of b माइनस f of a का मार प्लस b का मार इज ग्रेटर देन इक्वल टू इन दोनों के सम का मार. सम का मार कैलकुलेट किया तो f of b माइनस f of a आ गया. तो हम यहाँ पर थे, ये चीज़ बड़ी है f of x माइनस f of a से. तो जो आपके पास है टोटल वेरिएशन है दिस इज ग्रेटर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, मतलब एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए का मान इज लेस देन इक्वल टू टोटल वेरिएशन. अब हमने फंक्शन को बाउंड्री शो करना है तो इसलिए हम उसकी वैल्यूज़ का उसकी आउटपुट का मार ले लेंगे. इसके अंदर एफ ऑफ ए ऐड भी कर दिया, एफ ऑफ ए सब्ट्रैक्ट भी कर दिया. तो ए प्लस बी का मार इज लेस देन इक्वल टू ए का मार प्लस बी का मार. अब इस चीज़ को हमने शो कर रखा है कि दिस इज लेस देन इक्वल टू टोटल वेरिएशन, और ये एफ ऑफ ए एक फिक्स वैल्यू है तो ये एक नंबर है. तो एफ ऑफ एक्स की मार्ड वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू टोटल वेरिएशन प्लस दिस, ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, इन दोनों का सम भी एक नंबर है. तो आपके पास फंक्शन के जो आउटपुट्स हैं उनका मार्स एक नंबर से लेस हो गए हैं, इसका मतलब वो फाइनाइट हो गई है, तो फंक्शन बाउंडेड हो गया है. ठीक है जी, बाकी इंशाल्लाह फिर हम कल करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे.